दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम से भी अर्निंग की जा सकती है? तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ आप एक मेरी वीडियो पे देख सकते हैं भाई, $0.06। तो अगर इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 4.98 रुपए, मतलब 5 रुपए के आसपास अभी तक इस वीडियो से मैंने अर्न किया। मतलब भाई इंस्टाग्राम से भी अर्निंग की जा सकती है। तो पूरा सेटअप बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अकाउंट को अपने अर्निंग अकाउंट में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले सेटिंग में आना और यहाँ पर आपको क्रिएटर्स टूल का ये एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली क्लिक कर सिंपली आपको यहाँ पर ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक करना है। अपने इस अकाउंट को सबसे पहले प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही अर्निंग का जो प्रोसेस है वो आगे स्टार्ट हो पाएगा। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर अपने अकाउंट को प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट किया है, तो हम यहाँ से स्विच कर लेते हैं। तो सिंपली जब हम स्विच पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का एक इंटरफेस देखने को मिल। यहाँ से हमें सीधा कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद कुछ कैटेगरीज शो होंगी, जिस टॉपिक पर भी आप वीडियोस बनाते हैं उस कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम वीडियो क्रिएटर की कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेते हैं और ऊपर डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल को ऑन कर देते हैं, ताकि ये कैटेगरी हमारे प्रोफाइल पर इस तरीके से शो हो, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं। तो जो हमारा नॉर्मल अकाउंट था वो अब प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ प्रोफाइल में इस तरीके से आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, उसके बाद इस गिफ्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको गिफ्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गिफ्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम, मतलब कि अब हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट अर्निंग करने के योग्य हो चुका है। तो इसके बाद आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक बिजनेस टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड नंबर सही सही, तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें अपना पैन कार्ड लिखना होगा। अगर आपके पास आपका पैन कार्ड नहीं है तो आप किसी का भी पैन कार्ड यूज़ कर सकते हैं, बट वो पैन कार्ड लीगल होना चाहिए। तो इसके बाद बैंक डिटेल हमसे पूछ रहा है, तो चलिए हम यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल भी फिल कर देते हैं। तो बैंक डिटेल में नाम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर हमने अपनी बैंक अकाउंट की जो डिटेल थी वो यहाँ पर फिल करके नेक्स्ट कर दिया। अब जो बैंक का काम था वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर अब जो है टैक्स इन्फो, ये चीज़ भी भरना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सिंपली यहाँ से हम इसको अलाउ कर देते हैं। तो इसके बाद आपसे यहाँ पर दो क्वेश्चंस पूछेगा कि क्या आप US सिटीजन है, तो सिंपली आपको दोनों में नो कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो इसके बाद इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से हमें अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से भी एक बार चेक कर लीजिए, तो नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ से भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों स्क्रीन पर इस तरीके का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें लिखा है कि लोकेशन ऑफ वेयर सर्विस आर और विल बी फिजिकली परफॉर्म, मतलब जो भी आपकी इंस्टाग्राम पर एक्टिविटीज़ रहेंगी वो US में रहेंगी या फिर US के बाहर। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप इंडिया के हैं तो जो भी आपकी एक्टिविटीज़ रहेंगी वो यहाँ इंडिया की ही रहेंगी। तो सिंपली आपको पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों अब लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर देना है, मतलब सिग्नेचर में आपको अपना पूरा नाम लिखना है। तो सिंपली इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नीचे डेट आपको मिलेगी, जिस डेट में भी आपने ये फॉर्म फिल किया होगा। तो यहाँ आप पूरा फॉर्म देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी मिस्टेक लगती है तो आप उसको फिर से एडिट कर सकते हो। तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा और उसके बाद इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। इसके बाद डन। तो जो आपका अकाउंट था वो अब अर्निंग करने के लायक हो चुका है भाई। तो अब आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रील्स जितनी हो सके भाई उतनी पोस्ट कीजिए, जिससे आप इंस्टाग्राम से ज़्यादा अर्निंग कर सके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। हाँ, तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, तो आपकी वीडियो पे अब इस तरीके से सेंड गिफ्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो कुछ नया और सही जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर